हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आईसीएसई न्यूज़। इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे कि क्या आप सीएसडब्ल्यूटी का एग्जाम मोबाइल से या टैबलेट से दे सकते हैं, या आपको पीसी या लैपटॉप ही लेना जरूरी है। डिटेल में बात करेंगे क्या क्या सोर्स है सीएसडब्ल्यूटी का एग्जाम देने का, अगर आपके पास ये चारों नहीं है तो आप कैसे दे सकते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो करना, आपको आईसीएसई के रिगार्डिंग सारी अपडेट हमारे चैनल बैक टू बैक दे देगा। देखिए, अगर आप सी एच डब्ल्यू डी का एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको पता ही होगा आपका जो एग्जाम होने वाला है रिमोट मोड से होने वाला है, ठीक है। इसका मतलब आप अपने घर बैठे एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन इसमें यह है कि आपको लैपटॉप या डेस्कटॉप जरूरी है। अगर आपके पास लैपटॉप है तो बहुत बढ़िया बात है, डेस्कटॉप है तो उसमें आपको वेबकैम लगाना जरूरी है और आपको माइक लगाना जरूरी है। दोनों के सेटिंग को आपको परमिशन देना पड़ेगा, इनेबल करना पड़ेगा। अच्छा, अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है या आप टैबलेट है तो आप उससे एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, ठीक है। अच्छा, फिर क्या करें, आपको लैपटॉप या डेस्कटॉप से ही देना पड़ेगा। अगर आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, नियरेस्ट साइबर कैफे से आपको बात करके रखनी पड़ेगी। जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा आप वहीं पे जाके एग्ज़ाम दोगे, लेकिन एक बात और ध्यान रखो कि जिस दिन आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो वहाँ पर बहुत शोर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साइलेंट होना चाहिए। साइबर कैफे में भी एक बॉक्स सिस्टम आता है, मतलब एक जगह आपकी फिक्स है, वहाँ पर आसपास कोई नहीं रहेगा, तो वो सिस्टम आप करा लेना, फिर आप अपना एग्जाम दे पाओगे। सीएचडब्ल्यूटी का कोई भी शोर होता है तो ऐसी तरीके लगेगा कि आप चीटिंग कर रहे हो, पीछे से कोई आपको बता रहा आंसर, तो आपका एग्जाम कैंसिल होने की चांसेस ज्यादा हो जाएगी, ध्यान रखना। बाकी अगर आपके पास घर पे है लैपटॉप या डेस्कटॉप तो आप उसमें अपना एग्जाम आराम से दे सकते हो, ठीक है। चीटिंग वहां पे भी आप नहीं कर सकते, कहीं पे भी आपको चीटिंग नहीं करना है। थोड़ा सा भी चांसेस ऐसी तरीके लगेगा उस टाइम तो आपको वो अलर्ट करके छोड़ देगी, ठीक है, वो मैसेज पॉपअप करके छोड़ देगी। बाकी बाद में आईसीए हो सकता है एग्जाम आपका कैंसिल कर दे, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, इसके रिगार्डिंग मैं आपको बता दूं, जिस दिन आपका एग्जाम होगा उसके एक दिन पहले रात को 12 बजे आपको 12 बजे तक आपको ईमेल आ जाएगा और या एसएमएस आ जाएगा, दोनों में से कुछ भी आ सकता है, चेक करके जरूर रहना, ठीक है, थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो लेना, आपको सीएस के रिगार्डिंग एकमात्र हमारा ही चैनल जो सारी अपडेट देगा आपसे। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।